एक लंबे वक्त के बाद फिल्म एक्ट्रेस काजोल ने बड़े पर्दे पर वापसी की है। फिल्म सलाम वेंकी के जरिए काजोल ने एक बार फिर बिग स्क्रीन पर एंट्री मारी है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें काजोल, विशाल जेठवा, राहुल बोस, अहाना कुमरा, प्रकाश राज, राजीव खंडेलवाल, कमल सदाना और आमिर खान हैं। इस फिल्म की डायरेक्टर रेवती हैं। रेवती सलमान खान स्टारर फिल्म मिलेंगे मूवी को साल 2004 में डायरेक्ट किया था और खबरों की माने तो रेवती सलमान के साथ टाइगर 3 के डायरेक्शन के लिए भी जुड़ सकती हैं। फिल्म सलाम वेंकी साल 2005 में आई श्रीकांत मूर्ति की बुक द लास्ट हुर्रे पर आधारित है। ये फिल्म एक माँ के संघर्ष की कहानी है जो अपने बेटे की जिद के आगे उसे मौत देने के लिए भी तैयार हो जाती है। दरअसल फिल्म में वेंकी को दुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी है। इस बीमारी के कारण वेंकी ज्यादा जी नहीं पाएगा, जिसके लिए वो कोर्ट से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाता है। काजोल इसके लिए भारी मन से मान जाती हैं, लेकिन बाद में काजोल कानून बदलने के लिए सिस्टम से भिड़ जाती हैं। एक माँ के किरदार में काजोल को दर्शकों ने काफी प्यार दिया है। माँ बेटे की ये कहानी दर्शकों के दिल को छू रही है। सोशल मीडिया फिल्म की तारीफों से भरा हुआ है। अजय देवगन ने इस फिल्म की तारीफ की है और ट्वीट कर काजोल को ऑल द बेस्ट भी कहा है।